कॉलेज जो अभी यहाँ पे वीडियो हमारे सर हैं और जो अभी इंचार्ज यहाँ पे हैं हमारे खांडे सर, देविंदर सर और सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स एंड माय डियर कोलीग्स और जो हमारे भाई से आए हुए मेहमान हैं, हम खुद अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नोएडा में हैं, लेकिन आज एक ऐसा मौका है कि जिस मौके पे मेरा आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी बन गया, मेरा आना, राजेश जी का वहाँ से आना, देवेंद्र सर का आना, इवन प्रिंसिपल सर का वहाँ से आना, क्योंकि सब बिजी हैं, एंगेज्ड हैं, लेकिन ये एक मौका ऐसा है जहाँ कुछ लोगों के साथ आपकी एक ऐसी एसोसिएशन बन जाती है जहाँ उनके खास लम्हे पे अपनों का होना बहुत ज़रूरी है और अपनों का साथ मिलता है तो उन्हें भी खुशी होती है कि नहीं ये लोग यहाँ पे आए। सो इट इज़ द टाइम ऑफ सुपर इनोवेशन, दैट इज द फेयरवेल पार्टी विच इज गिवन इन द ऑनर एंड इन द डिग्निटी ऑफ अवर श्री लियाकत जी। द टाइम फ्लाइज। व्हेन आई एंटर्ड दिस कॉलेज इन 2020, माय फ्रेंड मिस्टर इंतकाब आलम, ही वाज माय बैचमेट एट दैट टाइम, एंड 2002 में हम यहाँ पे एंटर हुए एक्चुअल, एंड 2005 में हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन यहाँ से कंप्लीट की। लियाकत जी उस टाइम जवान थे, अपनी उस एज पे थे जहाँ पे काफ़ी ये, लेकिन हम यहाँ एंटर हुए, इन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह यहाँ पे रखा। हमने बेसिकली मैं इनको उस टाइम नहीं जानता था, लेकिन इन्होंने हमेशा हमारी यहाँ पे मदद की। लाइब्रेरी में हम जब यहाँ पे आते थे, खामोशी से हमें यहाँ पढ़ने के लिए बोलते थे, क्योंकि एक एक्सपोजर होता है एक स्टूडेंट का फ्रॉम द स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम द कॉलेज, यहाँ का माहौल अलग होता है। तो लियाकत जी ने बहुत हमारी मदद की, बच्चों आप यहाँ पे पढ़ो, ये बुक्स हैं, ये बुक्स देखो। उस टाइम इंटरनेट का ज़माना नहीं था, उस टाइम फ़ोन का ज़माना नहीं था, तो एक हेल्पिंग नेचर हमेशा उनका उस टाइम रहा है। उसके बाद में यहाँ जब कॉलेज में एंटर हुआ 2009 में, तो शुरू में इनिशियल जब हम जॉब्स में आते हैं तो प्रॉब्लम्स रहती है, तो लियाकत जी ने वैसे ही हमारी उस टाइम हेल्प की, हमारा साथ बढ़ता गया 2009 के बाद। आज मुझे 14 साल हो गए हैं यहाँ पे जॉब में। उसके बीच में मैंने लियाकत जी को देखा, 2002 में मिले हुए लियाकत जी और 2024 में मिले हुए लियाकत जी सेम एनर्जी में है, रिटायरमेंट हो रही है इनकी लेकिन सेम एनर्जी है। 2020 में यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे सेंटर अलॉट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिस्ट्रिक्ट डोडा। यहाँ पे पूरे तीनों के तीनों हमारे जो डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट रामबन, यहाँ पे आपने सेंटर शुरू करना था, एवेल्युएशन सेंटर, जो बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे कुलदीप सर वहाँ पे प्रिंसिपल थे, कुलदीप सर ने मुझे कहा कि संदीप जी आप सेंटर संभालिए, आप बताइए आपको कौन सी टीम चाहिए, तो आप कंस्टिट्यूट कीजिए कौन सी आपको टीम चाहिए। तो टीम में सबसे पहले मैंने, मुझे लियाकत जी का नाम याद है, मैंने कहा आप लियाकत जी को रख लीजिए, आप सतपाल जी को टीम में रख लीजिए, देविंदर सर से मैंने रिक्वेस्ट की क्योंकि ये सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर थे कि सर आप कोडिंग में रहेंगे। तो हम सब ने मिलके काम किया, लियाकत जी ने इतने अच्छे से वो सेंटर संभाला कि उसके बाद कंटिन्यूसली आज 8-10 बार वो सेंटर्स यूनिवर्सिटी के यहाँ पे आए हैं, जो खांडे साहब जानते हैं। तो वो इसलिए था क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में पता नहीं होता आपने कैसे काम करना, और अगर एक भी पेपर इधर से उधर गुम हो जाए तो FIR लगती है, कॉलेज की बदनामी होती है। तो पहले जोरदार तालियां लियाकत जी की हैं। दिस इज द डेडिकेशन। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रिटायरमेंट पे हूँ संदीप सर, मैं अब यहाँ पे ये काम नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट काम है, सिर्फ 100 रुपया दिहाड़ी मिलती है उस पर। कोई ऐसा नहीं है कि हम बोले कि 1000 रुपया मिलती है, इनको भी पता है, चिपिका जी भी यहाँ पे या दूसरे हम सब ने काम किया है, 100 रुपीज, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी 2000%, 2000%। हम सब जानते हैं कि क्या हो सकता है अगर एक पेपर भी इधर से उधर कोडिंग में प्रॉब्लम आ गई या कहीं पर। सो लियाकत जी अब आप कॉलेज से जा रहे हैं, लेकिन ऐसे आपका यहाँ से रोल हमेशा ही रहेगा एज ए सिटीजन, क्योंकि भद्रवाह के रहने वाले हैं, बहुत रोल रहता है एक लोकल, लोगों का लोकल जो लोग हैं एलुमनाई वो इस कॉलेज के होते हैं, तो आने वाले टाइम में भी आप हमेशा कॉलेज में आएंगे। यहाँ के जो बच्चे हमारे लोकल हैं ड्रग्स की तरफ, मैक्सिमम अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे डिस्ट्रिक्ट डोडा टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है ड्रग्स के रिलेटेड, नॉर्थ इंडिया में आ रहा है, ठीक है, ये एक रिपोर्ट भी है।
तो ड्रग डी एडिक्शन में एक हमारे लोकल जो यहाँ से रिटायरमेंट आप गए, उन लोगों उन बच्चों को समझाइए, उन बच्चों को बताइए कि नहीं आप पढ़िए, पढ़ने के बाद ये जो इस इंस्टीट्यूशन GDC भद्रवाह का नाम था तो पढ़ाई की वजह से आज बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स यहाँ से हैं, यहाँ से अभी आ भी रहे हैं, और एक छोटी बच्ची यहाँ उदराना की ही आई है, और बहुत से बच्चे KAS में आ रहे हैं, तो एक लोकल सिटीजन्स का रोल रहता है। तो आप सबका शुक्रिया इज्जत फरमाई के लिए, लियाकत जी के लिए, ठीक है। तो वैसे ही हम सबने काम करना है, नक्शे कदम पे इनके चलना है कि आगे आने वाले टाइम में कि जब हम कहीं भी हों, किसी भी ओहदे पे हों, पैसा पोजीशन इट डजंट मैटर, मैटर आपने अपने 25 साल 30 साल की सर्विस में कैसा काम किया। मैं अभी प्रिंसिपल सर के साथ वहाँ से साथ में आया, चेयर से मैं खुद उठ के आया, मैंने कहा सर मुझे भी ले लीजिए, लियाकत जी की रिटायरमेंट है, और शायद मैं लियाकत जी का मुझे फ़ोन नहीं आया था उस टाइम तक, मैंने कहा इनने मुझे जब फ़ोन किया, मैंने कहा 4-5 बजे तक मैं देवेंद्र सर के साथ पहुँचूंगा, लेकिन मैं देवेंद्र सर से पहले यहाँ पे पहुँचा था, मैंने कहा मैंने रिटायरमेंट पे जाना है और उनसे मिलना, अपने बड़े भाई से मैंने मिलना है। सो इट इज़ द टाइम टू से गुड बाय टू यू, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ जस्ट द 7 स्टेजेस ऑफ ए मैन एंड यू आर एंटरिंग द 6th स्टेज अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर। एंड इस 6th स्टेज में अब आपने पैसा चाहे 1/3 हो जाए, लेकिन 6th स्टेज में आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और सोसाइटी का ख्याल रखना है। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद।